माना की रात गहरी थी, माना की चुप सन्नाटा था, माना ना कोई रिश्ता ना नाता था, माना की अब भी सूरज आया नहीं। मगर जरा देखें गंगा किनारे प्रकृति की अद्भुत लीला। प्रकृति अंधकार के आगोश में मुरझाए मन से सूरज के आने का इंतजार नहीं करती। प्रकृति उत्सव सूरज आने के कहीं पहले शुरू हो जाता है। धीमी धीमी रोशनी नृत्य करती है, बादल आकाश में रंग भरते हैं, भीनी भीनी हवा चवर डुलाती है, पक्षी गीत गाते हैं, पूरा जीवन उल्लास उत्सव आनंदमय हो जाता है। इसी खुशहाली और मस्ती के वातावरण में सूरज प्रकट होता है। सुबह बनारस देख ये पता चलता है आनंद की स्थिति में ही सूरज दर्शन देता है। हो सकता है हमारी जिंदगी के बारे में भी यही सच हो। जीवन की रात कितनी गहरी हो, यदि हम उत्सव उल्लास आनंद गीत नृत्य काव्य सृजन का आनंद प्रकाश अपने जीवन में लाएं, तो आनंद के पीछे पीछे आनंद का कारण सूरज भी जीवन में आएगा ही। वैसे बनारस का एक नाम आनंद वन भी है, द फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस। शायद सुबह की आनंद लीला को देख कर ही दिया है। लीला को देखने का ये आनंदपूर्ण तरीका सच हो ना हो, मगर ट्राई करने में क्या जाता है इस आकांक्षा के साथ कि हम सब अपने जीवन को आनंद आमंत्रण से भरें। आपको नमस्कार।